अब भैया इसे खाने दो। हाँ मालूम है मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ। और ये देखो यहाँ पे HEROBRINE, a story nearly as old as Minecraft itself. तो कुछ दिनों पहले कुछ इपिक यूट्यूबर्स ने हीरोब्राइन का ओरिजिनल सीड ढूंढ निकाला है। जी हाँ, हीरोब्राइन का ओरिजिनल सीड, जहाँ पे हीरोब्राइन को पहली बार देखा गया था। तो आज हम लोग उसी सीड में जाके खेलने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि क्या हीरोब्राइन सच्ची में है। मैंने सुना है हीरोब्राइन से तुम लोगों को काफी ज्यादा डर लगता है। वैसे डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन वो कहते हैं ना, जो डर गया वो क्रीपर के हाथों मर गया। वेट ए सेकंड, इसमें तो मेरा ही एग्जांपल हो जाएगा। ओके गाइस, तो लेट्स डू दिस। अरे हीरोब्राइन की स्पेलिंग तो सही से टाइप करने दो। ओके गाइस, अब यहाँ डाल देते हैं हम लोग हीरोब्राइन का सीड। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मिल के आते हैं हीरोब्राइन से। एंड जब तक ये लोड हो रहा है, फटाक से वीडियो पे लाइक मारो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब मारो। अभी तक 100% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, तो गेम फाइनली लोड होने वाला है। HEROBRINE has joined the world. अबे यार ये क्या मजाक हो रहा है, ये मेरा वर्ल्ड है, इसे मैंने बनाया है। एंड उसने ये कहां से ज्वाइन कर लिया, कोई खोपड़ी तोड़ रहा है HEROBRINE की। एंड ऊपर से मुझे ये कौन सा मेजा बायोम में दे दिया है, बताओ। ऐसा जगह स्पॉन दिया जहाँ पे दूर दूर तक पेड़ नहीं, यहाँ पे बस ये सब है। चलो यहाँ से कम स्टिक तो ले सकते हैं। अगर HEROBRINE दिखाना उसी के टकले पे फेंक के मारूंगा। लेकिन सीरियसली गाइस, ये देखो कैसा बीरान बायोम में दिया है। HEROBRINE लगता है काफी लोनली टाइप का बंदा है। अरे ज़ॉम्बीज की आवाज कहाँ से आ रही है भाई, अभी न्यू वर्ल्ड आया ही नहीं एंड सियाप्पे चालू हो गया। मैं तो यहाँ से कट रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कोई शौक नहीं है रहने का। पहले तो मुझे अपने लिए कुछ सेफ्टी का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर HEROBRINE दिख गया तो मैं खुद को सेव कैसे करूंगा। अब सही में उसके टकले पे ये फेंक के तो नहीं मार सकता। Obviously. तो सबसे पहले तो मुझे इस बायोम से कट लेने दो। भाई क्या सुनसान इलाका है ये, यहाँ पे मुझे एक भी जानवर नहीं दिख रहा है। जानवर, ओहो, अरे इन्हें तो खा भी नहीं सकता मैं। वहाँ पे वो क्या है, रुक जाओ थोड़ा नजदीक जाके देखने दो, कहीं HEROBRINE तो नहीं था। अरे यार ये तो मकड़ी का जाला है। ओह खजाना ही खजाना। ओके, तो हम लोगों को एडवांसमेंट भी मिल गया है, नाइस। रुक जाओ ये गोल्ड भी रख लेता हूँ, फ्री का सामान छोड़ना नहीं चाहिए। सो गाइस, ये तो मैं माइनक्राफ्ट में आ चुका हूँ। भाई अंदर जाना सही रहेगा, मुझे तो डर लग रहा है। ओके गाइस, ये कुछ खतरनाक चीज है। अगर तुम लोगों को पता होगा तो ये HEROBRINE का निशानी है। अरे मकड़ी दूर हट। तो गाइस ये डर्ट पिरामिड HEROBRINE का निशानी है, इसका मतलब यहाँ पे HEROBRINE पक्का। अबे नहीं 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 ना, अरे मैं यहाँ पे HEROBRINE को ढूंढ रहा हूँ एंड तू अपनी यहाँ पे गंदी शक्ल दिखा रही है मुझे। भाई मैंने इतना क्या खराब बात बोल दिया कि इसे चक्कर आने लगे हैं। So, ये डर्ट पिरामिड यहाँ पे है, मतलब HEROBRINE यहाँ पे पक्का है। तो मुझे सबसे पहले अपने लिए कुछ एक्स वैक्स बनाना पड़ेगा। अरे वहाँ पे पेड़ है, ठीक है, यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल का इंतजाम हो जाएगा। और देखा, मैं माइनक्राफ्ट में इतना पेड़ हूँ कि मुझे पिकैक्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आखुन का ऐसा ही है, मैं वुडन टूल्स को देखता भी नहीं हूँ, सीधे डायमंड। ओके, सो ये बन गए हमारे लॉग, ये बन गए हमारे, अरे बंजा भाई, ये बन गए हमारे क्राफ्टिंग टेबल। और अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली बनाऊंगा, चलो तुम्ही लोग की बात मान के एक्स बना लेता हूँ। वैसे तो मुझे तलवार ज्यादा पसंद है, लेकिन एक्स ही बना लेता हूँ। एंड भैया रात होने वाली है एंड ऊपर से मेरे पास खाना भी नहीं है। प्लीज HEROBRINE भाई साहब, अपनी गंदी शक्ल मुझे मत दिखाना। अबे साले, गाइस यहाँ पे तो खाना भी नहीं है, मैं किसे मार के खाऊं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस माइनक्राफ्ट के अंदर छुप जाता हूँ। भाई साहब इतनी जल्दी रात कैसे हो जाती है। ओ गोल्ड है, नहीं चाहिए। अरे यार हर जगह मकड़ी, हर जगह मकड़ी। क्या इधर कोई और खजाना? ए मकड़ी यार प्लीज, ये तो मुझे पॉइजन दे देगी लगता है, मर जा। मैंने सही सोचा था, ये मुझे पॉइजन ही दे देगी एंड मैं टपक गया टपक गया टपक गया। ओके 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 ओके, अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन भाई मैं क्या करूँ, मुझे ऐसे जगह पे, ओके मुझे लगा वो HEROBRINE है, मुझे ऐसे जगह पे इन लोगों ने स्पॉन दिया है जहाँ पे खाना एक भी नहीं है। सही बता रहा हूँ, ये सीड बहुत ही मनुष्य सीड है, और होगा भी क्यों ना, आखिरकार ये HEROBRINE का जो सीड है। तो मुझे किसी भी तरह छुप छुप के ये रात बिताना पड़ेगा, जो कि करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। ये देखो, तो मैं फाइनली इस लोकेशन पे आ चुका हूँ जहाँ मेरा सामान गिरा था, लेकिन मेरा हेल्थ देख रहे हो। मुझे लगता है अपना सामान लेने से पहले यही लोग मेरी ले लेंगे। अबे ये मैं कहा,
The next morning. ओ भाई चलो ये अच्छी बात हुई, सुबह होने वाली है तो अब मैं पहले आराम से खाना बना ढूंढूंगा, फिर तलवार ये सब बनाऊंगा एंड फिर हीरो ब्रायन की टकला फोड़ूंगा। ए भाई हीरो ब्रायन, दम है तो इधर आना, डरता नहीं हूँ तेरे से मैं, आ इधर आ। नहीं। अरे वो गायब हो गया, ये देखो यहीं कहीं पे वो खड़ा था एंड इस साइड देख रहा था, पता नहीं इधर क्या देख रहा था वो। क्या इधर से कुछ दिख रहा है क्या? क्या यहाँ से कोई हॉट सी लड़की दिख रही है क्या? ओके तो वो हीरोब्राइन आया एंड गया भी एंड वो देखो वहाँ पे डर्ट पिरामिड, मैं इसी की बात कर रहा था, ये जहाँ पे रहेगा ना वहाँ पे हीरोब्राइन भी रहेगा। तो भाई साहब तुम लोग चेक कर लेना कहीं तुम्हारे वर्ल्ड में वो डर्ट पिरामिड तो नहीं है। ओके तो मुझे लगता है हीरोब्राइन रात को ही स्पॉन हो सकता है, तभी वो सुबह होते ही गायब हो चुका है, तो मुझे लगता है मुझे रात होने से पहले ही सारा कुछ इंतजाम कर लेना चाहिए, तभी तो उसका टकला फोड़ पाऊंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले तो इस मनुष्य बायोम से निकलो, कोई भी जानवर नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो किसी ढंग के बायोम में जाने दो मुझे। नए बायोम में जाएंगे, फिर वहाँ नून रोटी बनाएंगे, फिर उसे खा के हीरोब्राइन की खोपड़ी फोड़ के आएंगे। ठीक है। एंड मैं वापस से यहाँ पे आ गया, चेक करता हूँ कि मेरी चीजें डीएसपॉन तो नहीं हुई, एंड आई थिंक सो डीएसपॉन हो चुकी हैं। ओके गाइस तो मेरी चीजें सच्ची में डीएसपॉन हो चुकी हैं, तो यहाँ पे रहने का कोई फायदा है नहीं, पता चला यहाँ के खजाने ढूंढने के चक्कर में ना मैं खुद खाना खजाना बन जाऊंगा, तो निकल लेते हैं। एंड ओके मेरी चीजें डीएसपॉन नहीं हुई है, यहाँ पे है मेरी चीजें। ओ भाई ये बहुत अच्छा काम हुआ, मुझे लगा चीजें डीएसपॉन हो गई लेकिन नो चीजें डीस्पॉन नहीं हुई। अब इसी एक्ट से उस हीरोब्राइन की मैं खोपड़िया फोड़ूंगा। One death to society later. तो फाइनली मुझे जाके एक न्यू बायोम मिला है एंड मेरी हेल्थ पे ध्यान मत देना तुम लोग, बहुत ही लंबी कहानी है तो इसीलिए मैं उस कहानी को बाद में बताऊंगा। एंड ये देखो मुझे मिल गई कोमड़ी, अब भैया इसे खाने दो। हाँ मालूम है मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन क्या कर सकता हूँ। और ये देखो यहाँ पे भाई साहब, लिटरली बता रहा हूं मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ ये होगा। भाई 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 भाई, अब मुझे डर लग रहा। गाइज मैं कसम खा के कहता हूं मैं डरा नहीं था। चल झूठा, मैं तो बस उस चिकन को मार रहा था एंड पता नहीं ये हीरोब्राइन कहाँ से आ गया। भाई साहब ये तो हरकत हो गया मेरे साथ, ये बहुत ही गंदी चीज थी, है ना पिगी, गंदी चीज हुई ना मेरे साथ। ना बोलेगा बोल। तो सबसे पहले तो रुक जा, मुझे अपना हेल्थ फुल करना पड़ेगा, अभी कोई मेरे पे थूक भी देगा ना तो मैं मर जाऊंगा। तो सबसे पहले तो मुझे एक फर्नेस बनाने दो, तो ये क्राफ्टिंग टेबल रखो यहाँ पे एंड इसे डालो यहाँ पे, और इस फर्नेस को रखो यहाँ पे, इसे डालो यहाँ पे, इसे डालो यहाँ पे, एंड अब बस वेट करना है। A few inches later. तो चलो हमारा खाना बन गया, कलेक्ट कर लेते हैं। अरे अरे ये क्या हो रहा है, हेलो वो। ओके तो फिर से हमारे साथ उसने ज्वाइन कर लिया है एंड हमारा खाना भी रेडी हो चुका है, तो अब बस बचा है उस हीरोब्राइन के बच्चे से पंगा लेना, जो कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, लेकिन एक बार फेस टू फेस कांटेक्ट तो करना बनता है उससे। बस मुझे धप्पा करके भाग गया, ये कोई बात हुई ऐसे, किसी को हाय हेलो बोला जाता है बताओ तो। उस हीरोब्राइन को ना एटिक्वेट्स क्या होता है, एथिक्स एटिक्वेट्स पता नहीं जो भी, एटिकेट। ओके गाइस तो फूड भी रेडी है, खाना भी रेडी है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बेड भी रेडी कर लेता हूँ मैं। रुक जाओ एक दो सीप का फिर से मर्डर करने दो मुझे, ये देखो ये रहे यहाँ पे सीप। आई एम सॉरी मुझे आपका उल चाहिए होगा, मेरे सोने का सवाल है, मेरे खर्राटे मारने के लिए ये लोग इतना तो कर ही सकते हैं। एंड ये बन गया हमारा बेड, अब यहाँ पे मैं आराम से खर्राटे भी ले सकता हूँ। ओके गाइज रात हो रही है मतलब हीरोब्राइन भी आने वाला होगा, तो फटाक से यहाँ से अपना खाना लेके निकलते हैं। ओ ये फर्नेस उल्टा लगा हुआ था ना, मैंने फर्नेस ऐसे तो नहीं रखा था, पता नहीं। मुद्दे की बात यह है कि ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, तो मैं ऐसा करता हूँ मैं चुपचाप किसी खोपचे में छुप के बैठ जाता हूँ। अबे साले, अरे मजाक कर रहा हूँ, इपिक लोग किसी से भी नहीं डरते, हीरोब्राइन से भी नहीं। बस अब बच्चा है मेरे सामने, उसे तो मैं ये डंडा फेंक के मारूंगा, बस एक बार दिखे तो वो। हेलो गौ माता, आपने हीरोब्राइन को देखा है? अरे इसने भी नहीं देखा है, छोड़ो हटाओ, हम लोग खुद ही हीरोब्राइन को ढूंढ लेंगे। अबे गाइस मैं तो बस यहाँ पे नीचे चीटी को कुचलने आया था। तो फाइनली रात हो चुकी है, अब रतिया में बतिया करना पड़ेगा मुझे। भाई क्या करूँ, सो जाऊँ या फिर हीरोब्राइन को ढूंढूँ? लेकिन हीरोब्राइन से ज्यादा तो मुझे इनसे डर लगता है। एह
दूर हट, फट फट दूर फट। ओके तुम भी इधर आ जाओ एंड वहां पे फट जाओ। अरे फटना था वहां पे। अरे भाई फटना, मेरा पीछा करके ही फटेगा। दूर हट जाओ। अबे भाई वो तो फट ही नहीं रहा है। फट जा मेरे भाई। ओके फाइनली मुझे एडवांसमेंट भी मिल गया। वाओ देखा मैं मॉन्स्टर हंटर हूँ, उस हीरोब्राइन को भी हंट करूंगा। लेकिन पहले वो दिखो तो। अरे यार ये हड्डी मुझे अलग परेशान करते रहते हैं। हड्डी को इन कुत्तों से डर नहीं लगता, मैं इनके पास घूमूंगा। देखो हम लोग भाई बहन हैं, प्लीज मेरे साथ रहना, मुझे अकेले डर लगता है। अरे दूर हट जा, दूर हट जा, दूर हट जा, मर जा भाई मेरे, मर जा भाई। इस गधेड़े ने मुझे कितना डैमेज दे दिया, मुझे फटाक से मीट खाना। ओके ओके गाइस, क्या तुम लोगों को वो दिख रहा है? नहीं लेकिन मुझे वहां जाने से पहले इन सब से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। अरे छुटंकी ये तो बड़ा गजब परेशान करता है मुझे। तो गाइस मैंने हीरोब्राइन को वहां पे देखा था, अरे वो गायब हो गए हैं। गलत बात है, मुझे मिलना था हीरोब्राइन से। अरे यार वो यहाँ से। अरे, अरे, अरे। एक बार में दो दो हीरोब्राइन आ गया। मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं बच गया, बच गया, बच गया। भाई साहब हीरोब्राइन के साथ साथ हीरोब्राइन की गर्लफ्रेंड भी यहाँ पे आ गई। ये कोई बात हुआ? बता तो भाभी जी यहाँ पे कहाँ से आ गई? तो क्या आखिरी बार मैं उस हीरोब्राइन को देख पाऊंगा? एंड मेरा खाना वाना भी खत्म हो चुका है। तो गाइस वो देखो मुझे फिर से हीरोब्राइन दिख रहा है वहाँ पे। मैं अभी उसके सर पे ये डंडा फेंक के मारता हूँ। ये ले, क्या हुआ? इस बार अकेला है, भाभी जी छोड़ के भाग गई। अबे यार ये हड्डी ना, लगता है इसकी चड्डी खोलनी पड़ेगी मुझे, कभी और खोल लेंगे।